चूजिंग अ राइट गेमिंग माउस इज रियली इंपॉर्टेंट गाइस। आप एक जबरदस्त गेम तो लेके आ जाते हैं, लेकिन वहीं अगर आपके पास एक अच्छा माउस नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आप वो गेम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, फील नहीं कर पाएंगे दोस्तों, और वो कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा इतना खेलने में जितना एक्चुअली में वो गेम अच्छा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप गेमिंग माउस की बात करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे निकल के आते हैं। सबसे पहले दोस्तों वो फैक्टर्स की बात करते हैं जो आप एक गेमिंग माउस लेने से पहले सोचते हैं, मतलब एक सेंसर अच्छा होना चाहिए, बटन्स की जो प्लेसमेंट वो अच्छी होनी चाहिए ताकि आप जब प्ले करें तो कंफर्टेबली दोस्तों क्लिक कर सके, वहीं उसका जो रोलर है दोस्तों वो भी स्मूथ होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों यहां पे ये भी कंसीडर किया जाता है कि मैं वायर लूं या वायरलेस माउस लूं। ये सारी कंफ्यूजन लेके जब आप मार्केट में जाते हैं और देखते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा माउस लूं। तो दोस्तों यहां पे लेके आ गया हूं आपके लिए वीडियो, आपकी कंफ्यूजन कर दूंगा दूर। आपके लिए लेके आया हूं 10 ऐसे माउस जो बहुत ही अच्छे हैं, और दोस्तों यहां पे इन 10 में से 5 ऐसे माउस हैं जो आपको बजट में मिलने वाले हैं, और 5 माउस की बात करूंगा जो आपको हाई बजट के मिलने वाले हैं। दोस्तों दोनों के बारे में करेंगे बात आज इस वीडियो में, बताऊंगा ऐसे कौन से बेस्ट माउस हैं दोस्तों जो आपके वीडियो गेम के एक्सपीरियंस को दुगना कर देंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल और दबा दीजिए बेल आइकन मेरी वीडियो सबसे पहले देखने। चलिए आज बात करते हैं बेस्ट माउस फॉर गेमिंग। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पे बात करते हैं बेस्ट गेमिंग माउस विच यू कैन बाय अंडर 2000, 2000 तक की रेंज में दोस्तों आप कौन से माउस खरीद सकते हैं। तो यहां पे सबसे पहला जो माउस मेरे पास निकल के आता है दोस्तों वो आता है HP G360। और अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो दोस्तों इसमें मिलने वाला है आपको, दोस्तों इसमें आपको 6 प्रोग्रामेबल बटन मिलने वाले हैं, कस्टमाइज 6200 DPI मिलने वाली है, अर्गोनोमिक्स डिज़ाइन के साथ G360 ईजिली 6 DPI सेटिंग से स्विच हो सकता है, और दोस्तों आपको एक बेटर मूवमेंट और एक प्रिसाइज टारगेटिंग दे सकता है गेम्स के लिए। वहीं अगर इसके अर्गोनोमिक डिज़ाइन की बात की जाए तो वो एक नॉन स्लिप फिनिशिंग के साथ आता है जिसमें आपको LED लाइट्स भी देखने के लिए मिलेंगी, और दोस्तों 3-dimensional रोलर इसको बहुत ही कंफर्टेबल बनाता है अगर आप काफ़ी लंबे समय तक गेम खेलते हैं। वहीं इसके बटन्स बहुत ही कंफर्टेबल है, लेस नॉइज़ करते हैं, और वहाँ इसके प्राइस की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये 1599 में आपका हो जाएगा। तो दोस्तों इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां जाके दोस्तों माउस के बारे में और पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे माउस की तरफ। यहाँ पे एक बजट प्राइस के साथ हमारे पास दूसरे नंबर पे रेड ड्रैगन M609, बहुत ही कमाल का माउस है दोस्तों। एक वायर्ड माउस है, एक बहुत अच्छा और स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देता है। अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो दोस्तों ये 3200 की DPI सेटिंग को सपोर्ट करता है, इसमें 6 प्रोग्रामेबल बटन आपको मिलने वाले हैं, और दोस्तों LED बैकलाइट तो हर एक माउस में आपको आजकल देखने के लिए मिल जाती है तो वो इसमें भी मिलने वाली है। और दोस्तों इसका जो स्क्रॉल व्हील है वो बहुत ही कमाल का, बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देता है। इसके प्राइस की अगर बात की जाए तो ये आपको मिलने वाला 849 में। बढ़ते अपने तीसरे माउस की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमारे पास आया क्रोसर हरपून प्रो, बहुत ही कमाल का माउस है दोस्तों। अगर गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें तो इसका नाम दोस्तों लगभग सबने सुना होगा। इस माउस की अगर स्पेसिफिकेशन की हम बात करें दोस्तों, इसका डिज़ाइन जो डिज़ाइन निकल के आया वो इस तरीके से निकल के आया, मतलब अगर आप लॉन्ग आवर्स तक गेम खेलते हैं तो आपको बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होने वाला, और बहुत स्मूथली दोस्तों इससे कंटिन्यू गेम खेल सकते हैं। वहीं दोस्तों बात की जाए तो ये 12,000 DPI को सपोर्ट करता है, और साथ ही साथ इसका जो रोलर है दोस्तों वो भी बहुत माल का और स्मूथ है। दोस्तों इसमें आपको वायर्ड कनेक्शन के साथ ये माउस मिलता है, और अगर इस माउस के प्राइस की बात की जाए तो ये आता है 1999 में। दोस्तों बढ़ते हैं अपने चौथे प्रोडक्ट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे चौथे नंबर पे हमारे पास निकल के आया लिनोवो M200। दोस्तों अगर गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें तो आज की डेट में जो गेमिंग गैजेट्स है ना बहुत ही प्यारे कलर्स और मल्टीपल कलर्स के साथ देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों अगर इस माउस की बात की जाए तो ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का देखने में लगता है, साथ ही साथ दोस्तों इसमें 7 कलर RGB आपको देखने के लिए मिलेगा जो इसको एक प्रीमियम लुक देता है। वहीं अगर बात की जाए इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इस माउस में आपको 5 बटन मिलने वाले हैं जो 2400 DPI को सपोर्ट करते हैं, और साथ ही साथ 4-level DPI स्विच भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों ये भी एक वायर्ड माउस है जो आपको 199 के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। दोस्तों बहुत ही कमाल के और बहुत ही ब्यूटीफुल से ये माउस यहाँ पे दोस्तों मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों इन ब्यूटीफुल माउस के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल। अब बात करते हैं 5वें नंबर के माउस की। तो दोस्तों यहाँ पे 5वें नंबर पे हमारे पास है ANTE Sport GM320। दोस्तों इसमें 8 प्रोग्रामेबल बटन आपको मिलने वाले हैं, 7200 DPI को ये सपोर्ट करता है, बहुत ही कंफर्टेबल डिज़ाइन है। और दोस्तों अगर इसके डिज़ाइन की बात कीजिए तो इसमें लाइटनिंग RGB जो दी गई है वो बहुत ही प्यारी देखने में लगती है, बहुत ही स्मूथ दोस्तों एक्सपीरियंस आपको इसमें मिलने वाला है। वहीं गेम खेलते हुए दोस्तों ये वायर्ड माउस आपको बहुत ही कंफर्टेबल देगा और आपके जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है उसको बढ़ा देगा, क्योंकि दोस्तों गेम खेलते हुए ना दोस्तों आपको एक ऐसा माउस चाहिए जो
कंफर्ट और दोस्तों आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस को स्मूथ कर दे। तो यहाँ पे अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो ये निकल के आया दोस्तों 799 रुपीज़ में, सिर्फ 800 रुपीज़ में दोस्तों इतना चमत्कारी सा ये माउस आपका हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे वो 5 माउस जो आपको अंडर 2000 मिल जाते हैं, आपके बजट में मिल जाते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही एक्सपीरियंस आपको अच्छा देने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं हाई बजट के ऐसे माउस की जो आपके एक्सपीरियंस को 4 गुना बढ़ा देंगे। और दोस्तों यहाँ पे ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इन माउस से वो वाले माउस कैसे डिफरेंट है। तो चलिए अब बात करते हैं ऐसे 5 माउस के बारे में। यहाँ पे पहले नंबर पे जो हमारे पास निकल के आया है वो है फाइनल माउस A58 निंजा। बहुत ही कमाल का माउस है दोस्तों ये, इसका डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसकी सेल इतनी है ना कि ये आपको मार्केट में हार्डली अवेलेबल मिलेगा। मतलब अगर ये माउस आपको मार्केट में मिलता है तो जल्दी से देरी ना कीजिएगा, जल्दी से इस माउस को दोस्तों पिक कर लीजिएगा। दोस्तों अगर इसके डिज़ाइन की बात कीजिए तो बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ आता है, इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों वहीं अगर बात की जाए इसके प्राइस की तो इसका प्राइस जो निकल के आया है दोस्तों वो आया 6999 रुपीज़। दोस्तों ये माउस 6999 रुपीज़ में दोस्तों आपको अवेलेबल मिलता है। दोस्तों इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़्यादा डिटेल वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे माउस की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमारे पास निकल के आया है ग्लोरियस मॉडल डेमिंग माउस। बहुत ही कमाल का, बहुत ब्यूटीफुल एक वायर्ड माउस है दोस्तों ये, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है आपको। और दोस्तों बहुत अच्छा जो है इसमें बटन्स और क्लिक्स की दोस्तों वो आपको कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर इसके प्राइस की हम बात करें तो ये आता है 8999 रुपीज़ में। दोस्तों बहुत ही कमाल का, बहुत प्रोफेशनल और बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे माउस की तरफ। यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमारे पास निकल के आया है रेजर डेथ एडर इलाइट V2। बहुत कमाल का दोस्तों माउस है, 16,000 DPI को सपोर्ट करता है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है दोस्तों इसमें और ये बहुत डिमांड में है। मतलब ये जितने भी माउस मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये बहुत डिमांड में और प्रो लेवल के जो खिलाड़ी हैं ना दोस्तों इन सारे माउस को वो यूज़ करते हैं। मतलब ये माउस ऐसे मार्केट में दिखे और गायब, बहुत तगड़ी सेल है दोस्तों इसकी। और दोस्तों इस माउस के अगर प्राइस की हम बात करें तो 5999 रुपीज़ इसका प्राइस निकल गया है। चलिए बात करते हैं अपने चौथे माउस की। तो यहाँ पे चौथे नंबर पे माउस निकल गया है स्टील सीरीज रिवेल 310। बहुत ही प्यारे कलर के साथ बहुत ही अच्छा डिज़ाइन इसमें देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। और ये माउस आपके लिए निकल गया है 7949 रुपीज़ में। दोस्तों बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, एक वायर्ड माउस है दोस्तों ये, आपको बहुत अच्छी क्लिक का एक्सपीरियंस देता है। मतलब आप इस पर क्लिक करेंगे आपको कोई भी किसी भी तरह का साउंड नहीं देखने के लिए मिलने वाला, साथ ही साथ बहुत कंफर्टेबल है। अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपके हाथ के नीचे हवा है या फिर माउस है, इतने ज़बरदस्त लेवल का लाइट वेट दोस्तों ये है। चलिए बात करते हैं अपने आखिरी और लास्ट 5th नंबर के माउस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे 5वें नंबर पे हमारे पास है बेनक्यू ज़ोई S2। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन का ये माउस है दोस्तों, रेड एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में एक वायर्ड माउस, बहुत कंफर्टेबल और बहुत हाई डिमांड वाला दोस्तों ये माउस है। अगर इसके प्राइस की हम बात करें तो ये आपको मिलता है 13,568 रुपीज़ में। बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का दोस्तों गेमिंग एक्सपीरियंस आप इसमें कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थे मेरे ऐसे माउस जो आपको बजट में भी मिलते हैं और दोस्तों कुछ ऐसे माउस जो आपको हाई बजट में मिलते हैं। तो दोस्तों सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसका जाके दोस्तों लिंक पे क्लिक करके उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए और जल्दी सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर दीजिए मेरा चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और दिन। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।